देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये भी उसी तरह का है, ये यू होगा, ये भी वायलेट में मतलब ये आपका एल्जेब्रिक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले ये आ रहा है। चलिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन लेके कॉस एक्स डी एक्स डी एक्स, यही ना होगा। चलिए यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर कॉस का साइन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 2x होगा और कॉस का यहाँ पर साइन हो जाएगा डी एक्स। अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 एक्स साइन एक्स। यार ये तो फिर से आ गया इंटीग्रेशन u इंटू v पे, अब दोबारा से फिर से यहाँ इंटीग्रेशन करना होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 फिर यहाँ दोबारा से इंटीग्रेशन करना होगा, एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का अवकलज करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में ही, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद करके डी एक्स, यही ना होगा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 एक्स साइन का माइनस कॉस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो ये तो आपका 1 हो गया और साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ प्लस कर देता हूँ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए अगला स्टेप इसमें देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 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 प्लस 2x cos x प्लस माइनस माइनस 2 cos का साइन साइन x प्लस c, इसका आंसर हो गया। समझ गए क्वेश्चन नंबर।